हेलो एवरीवन, एवरेज स्टूडेंट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2019 और हम लोग द हिंदू का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पहला देखते हैं, ये कॉलेजियन सिस्टम के बारे में एक आर्टिकल है, इसको आप पेपर टू से रिलेट कर सकते हैं आपको। तो पहले आपको बता दें कि कॉलेजियन सिस्टम होता क्या है। एक तरह से ये फोरम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मेंबर होते हैं। और इसका वर्किंग क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है कि जज सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना या फिर किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना, कहीं पे भी इन लोगों का मेन वर्क ये होता है। और ये हम लोग के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बाद इवॉल्व हुए हैं। जैसे 3 जज केस इसमें बहुत ही हाईलाइटेड है, आप लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 जज केस किससे रिलेटेड है, ये हमारे कॉलेजियन सिस्टम से रिलेटेड है। तो इन लोग का जो डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता है अगर वो सेकेंड टाइम वो अपना डिसीजन भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आइए देखते हैं इशू क्या था। तो इसमें इशू यह था कि नए जो ये क्या बोलते हैं इसको कॉलेजियन सिस्टम है, उसको उन्होंने 2 जज को अपॉइंट किया, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ये आ गया कि पहले उन लोगों ने 2 जज को दिसंबर 2018 में अपॉइंट किया था। तो इसमें कंट्रोवर्सी यह था कि उन लोगों ने अपना डिसीजन क्यों चेंज कर दिया। सो उन्हें अपना डिसीजन पे अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करके जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस खन्ना को अपॉइंट किया है 2 सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। तो इसमें बहुत सारे ये उन्होंने अपना ये दिया है व्यू दिया कि उन लोगों ने डिसीजन क्यों चेंज किया, क्योंकि कुछ चेंजिंग की वजह से उन लोगों ने कुछ अपना डिसीजन चेंज किया, कुछ ग्राउंड रियलिटी की वजह से कुछ मटेरियल चेंज हो गया था उसमें इस वजह से। लेकिन उन्होंने अपना पूरा ये नहीं दिया, सफाई नहीं दिया कि किस वजह से उन लोगों ने चेंज किया है इसे। इस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस चीफ जस्टिस हमारे जो पहले थे आरएम लोढ़ा, उन्होंने भी ये कहा है कि एक तरह से इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, ये हमारे कॉलेजियन सिस्टम के खिलाफ है कि हम लोग एक बार अपना डिसीजन दे देते हैं फिर उसको हम लोग एडहेयर नहीं कर पाते हैं, एक तरह से ये हमारी ये इसके खिलाफ है। इवन उन्होंने कहा कि जस्टिस खन्ना का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो जूनियर जज थे, इनसे 3 सीनियर मोस्ट जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट है, यहाँ तक उनमें से 2 जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो और जगह चीफ जस्टिस का काम कर रहे हैं, तो उनको अपॉइंट करना चाहिए ना कि इनको। तो कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि हमारा कॉलेजियम सिस्टम में उसका क्रेडिबिलिटी फिर क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गया है कि उन लोगों का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। और तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए ताकि ऐसी समस्या ना आ पाए फिर से, इस वजह से हमें इस पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है इसको आप पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक तरह से एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2018 आया है, ये 10 साल पे एक बार रिपोर्ट आता है, पहला जो इसके पहले आया था जो 2008 में आया था। तो इन्होंने अपना फाइंडिंग बताया है कि 2008 के और 2018 में कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है एजुकेशन सिस्टम में। तो इन्होंने कुछ फाइंडिंग दी है कि जैसे कि इन लोगों ने अपना सर्वे किया 5.4 लाख और 596 जो रूरल डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना सर्वे किया, और उसमें पाया कि कुछ करीबन 53.1% स्टूडेंट जो हैं क्लास 5 के और रूरल गवर्नमेंट स्कूल के जो 2008 में क्लास 5 में थे वो 2000 क्लास 2 के बुक को समझते थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें 44.2% है जो उन लोगों को ये नहीं कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, थोड़ा सा ही चेंज आया है। और इसमें प्राइवेट स्कूल का भी दिया गया है कि 67.9 और 65.1 जो है वो प्राइवेट स्कूल के हैं। तो इस वजह से और यहाँ तक इन्होंने अपने फाइंडिंग में बताया कि अर्थमेटिक जो एबिलिटी है वो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि 1.5% जो गवर्नमेंट स्कूल और 1.8% जो प्राइवेट स्कूल में क्लास 5 के स्टूडेंट में इतना चेंज आया है। यहाँ तक इन्होंने बताया कि कुछ स्टेट हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला, हरियाणा जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने उनके 50% स्टूडेंट जो है वो अर्थमेटिक क्वेश्चन को क्लियर कर लिए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट है यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका जो बिलो 20% से कम है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उन लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी थे कि वो अपने लेटर को ही रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, अब ABCD ही नहीं पहचान पाएंगे तो आगे वो सेंटेंस क्या फॉर्मेशन करेंगे, कख ग अंक नहीं पहचान पाएंगे तो आगे क्या हिंदी में वो बोल पाएंगे। इस वजह से इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें और हम लोग को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इसको सुधार किया जा सके। अभी हमारे पास इसका एनुअल स्टेटस है
एजुकेशन रिपोर्ट है हमारे पास, या 10 साल के लिए लगभग है, तो हमें रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टाइम है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर कुछ ऐसा मतलब ये प्रावधान ढूंढना चाहिए ताकि इसको अच्छे से हम लोग ये कर सकें, और हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन जो है और मिडिल स्कूल का जो एजुकेशन है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सके। यहाँ तक कि हमें कुछ अच्छे स्टेट से भी लर्निंग सीखनी चाहिए कि क्या है, और इन लोगों को पब्लिक कंसल्टेशन लेने चाहिए कि और वे स्टेट में कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उस बेसिस पे ये लोग ये कर सकते हैं कि अपने आप को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, ताकि जिस स्टेट में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, केरला और पंजाब में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उन लोगों से एक तरह से ये रिकमेंडेशन ले सकते हैं और अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हमारे जो आंगनबाड़ी सेंटर है उसको भी एक तरह से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे सारे सुविधा नहीं होती है, हमारे पढ़ने के लायक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम लोग ने जो अपना राइट टू एजुकेशन एक बनाया था, तो उस समय क्या हुआ था कि हम लोग का 96% जो है हम लोग का इनरोलमेंट ये बढ़ गया था, तो इस वजह से इसी को भी एक तरह से प्रॉपर फ्रेमवर्क हम लोग को फ्रेम करना चाहिए ताकि इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हो जाए हम लोग का। और एक तरह से हमें ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अपना करिकुलर जो है उसको थोड़ा सा ये करना चाहिए, चेंज करना चाहिए उसको। हम लोग हमेशा नंबर पे फोकस करते हैं, लेकिन हमें उस पर ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि वो लोग इनोवेशन की तरफ ध्यान दे सकें। नेक्स्ट, इस पर ये भी कहा जाता है कि अगर जो भी स्कूल अच्छा परफॉर्म करता है उसको एक तरह से इंसेंटिवाइज करें, अवार्ड दें एक इस तरह से, ताकि उनका रिकग्निशन मिल सके उन लोगों। एक तरह से केस स्टडी है आंध्र प्रदेश की, जिसमें कि ये दिया गया है कि एक टीचर को अगर इंसेंटिवाइज किया गया था तो उन्होंने ये किया था कि इसके वजह से स्टूडेंट का स्कोर जो है वो बढ़ गया था वहाँ पे। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, विदेश से भी बहुत सारे केस स्टडी है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करना होगा और एक प्रॉपर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें इसको चेंज करना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, इसको आप पेपर टू से रिलेट कर सकते हैं। एक तरह से यह है कि ह्यूमन राइट इंडिया में जो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है उसके इस पे संदर्भ में इस आर्टिकल को लिखा गया है, जिसमें हम लोग ये बताया गया है कि हम लोग एक तरह से एकदम ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं ह्यूमन राइट वायोलेशन की तरफ, हम लोग इस पे कभी डिस्कस ही नहीं करते, एकदम इग्नोर किए जा रहे हैं। तो इस वजह से इस पे एक तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन और यूनाइटेड नेशन ने इस पे हाईलाइट किया है कि हमें इसको ये करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने अपना आर्गूमेंट दिया है कि हम लोग का ह्यूमन राइट को एक तरह से फॉरेन टूल की वजह से यूज किया जा रहा है और इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग के पास बहुत सारे एक तरह से इवन के रिपोर्ट में शो किया गया है कि हमारे तरफ टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एक तरह से ह्यूमन राइट को हम लोग डिफेंड नहीं करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में ले लीजिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो उत्तर प्रदेश में हुआ, एक तरह से बहुत बड़ा एग्जांपल है। इस वजह से हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम लोग मतलब कि ये कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन को हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे बढ़ावा दे रहे हैं उसको। इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग आगे से ज़्यादा ये नहीं हो सके कि हाँ, यहाँ तक कि हम लोग उन्होंने कश्मीर के ह्यूमन राइट वायलेशन को भी हाईलाइट किया है। तो इस पर हम लोग और कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आसाम में जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन ये किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने ये किया है। हेट स्पीच है, किलिंग ऑफ द जर्नलिस्ट जो है गौरी लंकेश है, उस पर भी ये दिया गया है कि हम लोग वायलेशन करते हैं। और रोहिंग्या इशू पे जो हम लोग रोहिंग्या को जो वापस भेज दिए थे एक तरह से, वो भी बहुत सारा ये है। तो ये सब स्टेटमेंट क्या शो करता है, एक तरह से ये सब स्टेटमेंट यही शो करता है कि जो हम लोग का जो मतलब इंटरनल अफेयर में जो उन लोगों का ये है व्यू है, वो हम लोग एक तरह से अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का अगर व्यू है जो वो लोग देते हैं उसको हम लोग को एज ए निगेटिव नहीं, एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए, और हम लोग को अपने ह्यूमन राइट वायलेंस को इंटरनेशनल लॉ के एक तरह से संदर्भ में लाना चाहिए ताकि उन लोगों को प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल सके। और इस पे ये भी इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोग इसको ये नहीं कर सकते कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल मैटर में, वो एक तरह से हमें ह्यूमन राइट वायलेंस पे अकाउंटेबल बना रहे हैं हमें। तो इस पे कंक्लूजन ये दिया जाता है कि इंडिया का अपना अलग प्रेस्टीज है, अपना एकदम स्टेटस है, तो इसको मेंटेन करने के लिए वो हम लोग इंडिविजुअल के इंडिविजुअल राइट को ध्यान में रखते हुए उसको नॉन नेगोशिएबल नहीं बनाए, उसको ध्यान में रखें और उसको बेटर इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट, पेपर वन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं जाली कट्टू के बारे में कि ये जाली कट्टू क्या है। तो एक तरह से बुल टेमिंग का फाइट होता है जो तमिलनाडु में किया जाता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल ये है।
फेस्टिवल मनाया जाता है पोंगल के टाइम, इसको बस आप प्रीलिम्स के टाइप से रिलेट कर सकते हैं इसको। ये पेपर वन से नहीं पेपर थ्री से रिलेटेड है, CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो एक तरह से कैश रिजर्व रेशियो है जो RBI रिकमेंड करती है बैंकों की अपने पास कुछ लिक्विड फॉर्म में कैश रखे ताकि अगर कोई भी लिक्विडिटी क्रंच आए तो उसको मेंटेन किया जा सके। इसी वजह से कैश रिजर्व रेशियो सारे बैंक को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसको पेपर थ्री से आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें यह है कि कोई भी डेबिटर और क्रेडिटर अगर वो अपना फेल कर जाता है पेमेंट करने के समय तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है। इसमें यह है कि कोई बहुत सारे जो क्रेडिटर होंगे उनको बहुत ही फायदा मिलेगा और इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसके थ्रू इसको ये किया जाएगा, सॉल्व किया जाता है। और इसमें एक तरह से इसको ये किया गया है क्योंकि हम लोग का बहुत सारा NPA जो है इंक्रीज कर गया था अभी के दिनों में, बहुत सारा NPA जैसे कि अभी आप सुनते होंगे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस चुका है क्योंकि NPA इंक्रीज हो गया है। इसी वजह से NLCT का बहुत फायदा होगा इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट है पेपर थ्री से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि रुपी जो है उसको रुपी पैक जो है साइन हुआ है ईरान के साथ ताकि हम लोग वो लोग हमसे जो भी ये खरीदें क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल खरीदें उनको हम लोग वो लोग हमने रुपी में पे करें और हमारे जो ऑयल हम लोग जितना भी खरीदते हैं उनको रुपी में पे करें तो हम लोग जितना भी खरीदेंगे उसका आधा वो लोग फार्मास्यूटिकल से उसको पे कर सकते हैं रुपीज में। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हम लोग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और हमारे करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो थोड़ा लेस से लेस होगा क्योंकि सारा मैक्सिमम जो है ये ऑयल इम्पोर्ट पर ही डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग का ऑयल इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो थोड़ा ये होगा, रिलैक्स होगा और हमारे फॉरेन इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ही सारा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।